एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पापों का विनाश हो जाता है। इस लोक और परलोक को सुधारने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई अन्य दूसरा व्रत नहीं है। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुने। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्य निष्ठा के लिए विख्यात हैं और इसके लिए इन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया था। कहा जाता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पेद्रण श्री हरिश्चंद्र का तरे न सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहित था। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सोची। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से सारा राजपाट मांग लिया और राजा हरिश्चंद्र ने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र को अपने संपूर्ण राज्य का दान कर दिया था। लेकिन दान के बाद जब हरिश्चंद्र अपना राजपाट त्याग कर जाने लगे, तो महर्षि विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महर्षि, आप 500 स्वर्ण मुद्राएं ही क्यों, जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र बोले कि हे राजन, आप दान में अपना सारा राजपाट और राजकोष भी दे चुके हैं और दान की गई वस्तु दोबारा दान नहीं की जा सकती। महाराजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि विश्वामित्र की बात में सच्चाई है, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के पास इन परिस्थिति में भी सत्य और धर्म का मार्ग था, जो कि उन्होंने नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया। उन दोनों के बेचने के बाद भी 500 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित नहीं हो पाई, तो राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी एक चांडाल के हाथ बेच दिया और पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली। 500 स्वर्ण मुद्राओं में खुद तीनों प्राणी बिके और अपनी मर्यादा को निभाया। महाराजा हरिश्चंद्र ने 500 स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दे दी और खुद शमशान में कार्य करने लगे और शमशान का कर लेकर उस चंडाल को दे देते थे। एक बार भादों के महीने की एकादशी की रात को राजा हरिश्चंद्र ने उपवास रखा हुआ था और शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और अंधेरा भी काफी हो गया था। उसी रात को एक लाचार और गरीब स्त्री रोते हुए शमशान पहुंची। यह स्त्री और कोई नहीं, महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी थी और जिस बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी वह उनका पुत्र था। रोहिताश्व खेल रहा था और उसको सांप ने डस लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई।
रानी तारामती को नहीं पता था कि इनके पति राजा हरिश्चंद्र कहाँ काम करते हैं। तारामती के पास तो कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो रोती बिलकती किसी तरह से अपने पुत्र के शव को गोद में लेकर शमशान घाट पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि उनकी पत्नी बेटे रोहित का मृत शरीर अपने हाथों में उठाए हुए रोती हुई शमशान की तरफ आ रही है। राजा का काम था कि जो भी शमशान में किसी का दाह संस्कार करने आएगा उससे वे कुछ मुद्राएं लेंगे। इसीलिए राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर दे, क्योंकि वह चंडाल के सेवक थे और उन्हें अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना था, और जो भी अंतिम संस्कार करने आता था उसे दाह संस्कार करने के लिए कुछ शुल्क देना ही पड़ता था। जब उनकी पत्नी तारा ने कहा कि उनके पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर दे दो, मैं उसे ही शमशान का कर समझ लूंगा। तारामती विवश थी। उसने ज्यों ही अपनी साड़ी को फाड़ना आरंभ किया तभी वहां पर देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद की सत्य के प्रति निष्ठा देखकर कहा कि हे राजन, आप अपनी परीक्षा में पास हुए, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा हो, तुम सत्य के प्रतीक हो, और राजा के पुत्र को भी जीवित कर दिया और विश्वामित्र ने पूरा राज्य हरिश्चंद्र को वापस कर दिया। अजा एकादशी की व्रत विधि इस प्रकार से है। व्यक्ति को एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद घर की सफाई करनी चाहिए और तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात भगवान विष्णु के सामने घी का दिया लगाकर फल और पूज्य फूल से पूजन करें। पूजन के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा गीता का पाठ करना चाहिए। दिन में निराहार व निर्जला व्रत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा करें, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।